जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि क्या उन्हें रद्द करने और स्टे देने के अलावा कुछ आता है। सभी योजनाओं को स्टे देने का काम महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया था। भैया, रद्द करने के सिवा और स्टे देने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? अढ़ाई साल में तो सब मेट्रो को भी स्टे दिया था, कारशेड को भी स्टे दिया था, कोस्टल को भी स्टे दिया था, नागपुर मुंबई समृद्धि को भी स्टे दिया था, जलयुक्त शिवार को भी स्टे दिया था, सभी योजनाओं को स्टे देने का काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया था। तो उनसे क्या और उम्मीद कर सकते हैं हम? धारावी जो है, 1-2 लाख लोग रहते वहाँ पर, कीचड़ में, गंदे नाले में, आजू बाजू में इतनी गंदगी है, उसमें रहते, खुद तो बड़े बड़े बंगले में रहते हो और गरीबों को कीचड़ में रखते हो, लेकिन गरीबों ने वहाँ के सोचना चाहिए। उसमें 1-2 लाख घर, इन्होंने तो सिर्फ क्वालिफाई होने वाले को घर देने की बात की थी। हमारी सरकार ने तो हाउसिंग फॉर ऑल, सभी लोगों को घर देने का ऐलान कर दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि अब इस पर बात करना महज औपचारिकता लगती है। कि दिल्ली के पॉल्यूशन का इतना खतरनाक स्तर है कि उस पर अब कुछ भी कहना, सुनना, बोलना, ऐसा लगता है कि हम कोई फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो 1-2 लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जितनी मास्टरी खजाने को लूटने में है, जितनी मास्टरी उनकी झूठ बोलने में है, जितनी मास्टरी उनकी मुद्दे को डाइवर्ट करके अपने सत्ता में रहो और दोष दूसरों को दो, ये पहली बार कोई कार्यशैली चलाया है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए, कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उपचुनावों में हम 4 सीटें जीत रहे हैं और झारखंड में भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे।
और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाय इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम। सर कोई फायदा अयोध्या का रिजल्ट क्या है? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ, तो ये देखिए ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा।